बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस, हाँ आज तेरे लिए छोटा सा इतना सा समस्त चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर 11 साइंस फिजिक्स में से एक्सरसाइज का 17th सम है, 10 15 17, हाँ छोटा सा सम है। सम सीखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, सोम सर वाला थॉट देख। कोलाइजन टॉपिक आपने पढ़ा है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, छोटा सा समय। कोलाइजन इलास्टिक टाइप का बोला हो, इलास्टिक कोलाइजन हो और सेम मास हो, इलास्टिक कोलाइजन हो और सेम मास हो, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेम मास के ऑब्जेक्ट और इलास्टिक कोलाइजन करते हैं तो स्पीड इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। हाँ देख, ऐसे जैसे ये रहा एक ऑब्जेक्ट 1, ये रहा ऑब्जेक्ट 2, आफ्टर कोलाइजन ये रहा 1, ये रहा 2, मान ले इसका स्पीड है बिफोर कोलाइजन 5 और इसका स्पीड है 0, ठीक है। कोलाइजन के ये लोग इंटरचेंज करेंगे ना, ऐसी सिचुएशन होगी तो ही इंटरचेंज करेंगे। हाँ भैया देखना, मास सेम होना चाहिए दोनों का और इलास्टिक टाइप का ही कोलाइजन होना चाहिए तो ये लागू पड़ेगा, तो ये इसका स्पीड इसको दे देगा, ये अपना स्पीड इसको दे देगा, तो कोलाइजन के बाद ये 0 और ये 5। हाँ ये कॉन्सेप्ट तेरे हमेशा काम आएगा, याद रख ले, जेब में डाल दे। हाँ चल अब क्वेश्चन पढ़। द बॉब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास। हा हा हा, सेम मास तो बोल दिया, इट रेस्ट। अच्छा मतलब पहले वाला कुछ तो स्पीड होगा उसका, चल इसका स्पीड ले लेते हैं v और इसका स्पीड ले लेते हैं 0। ये रहा ना 30 डिग्री पे बॉब ए और ये है एक बॉब बी पड़ा है, हाँ ऐसे टेबल भी पड़ा है, दोनों का मास सेम है देख ले, है कि नहीं, ठीक है। अब ये आके इसको हीट करता है इसे, धड़ाम, मास सेम है, मास सेम है, लेकिन क्या कोलाइजन इलास्टिक है, तो पढ़ो आगे। हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलाइजन, मतलब ऐसे ही इसको आगे यूं धड़ाम ठोकेगा तो ये बी तो निकलेगा, ये ए और कितना ऊपर जाएगा, कोलाइजन हो जाने के बाद क्या ये ऊपर जा पाएगा, तो देखना पड़ेगा कोलाइजन किस टाइप का है। निकलेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स एंड अज्यूम द कोलाइजन इज टू बी इलास्टिक, यस इलास्टिक कोलाइजन सेम मास, मतलब स्पीड इंटरचेंज करेंगे ये दोनों, तो ये अपना 0 उसको दे देगा और वो भी इसको दे देगा, तो कोलाइजन के बाद सीन क्या होगा, ए को 0 पे आ जाना है और बी को वी से निकलना है, तो ये हो गया तेरा ए 0 स्पीड और बी तेरा आगे जाएगा वी स्पीड से। हाँ तो कोलाइजन के बाद ए का स्पीड 0, मतलब यहीं पे रह जाएगा चिपक के इन प्लेस ऑफ बी, इट कैन नॉट राइज हाई आफ्टर कोलाइजन इफ द सिचुएशन इज इलास्टिक एंड ऑफ सेम मास, समझा। बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लिख देना क्या कि यहाँ पे कोलाइजन इलास्टिक है और मास भी सेम है, तो टक्कर होने के बाद ए जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और बी निकलेगा। हाँ पक्का, मजा आ गया तो लिख दोस्त कमेंट कि सर धांसू मजा आ गया, इस छोटे से कंसेप्ट से ये पूरा क्लियर हो गया। शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बाय।